आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बेबी हक का स्किन एंड हेयर केयर रेंज है, बेदिंग प्रोडक्ट्स हैं, पाउडर है, मसाज ऑयल है, शैम्पू है और बॉडी वॉश और लोशन है। इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंडिविजुअली मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगी। मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ, को मैंने फर्स्ट क्राई से परचेस किया है। ये कॉम्बो में ही मैंने परचेस किया, इसको इंडिविजुअल सेपरेटली परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक कॉम्बो में परचेस कर सकते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है बेबी हक की इस स्किन और हेयर केयर के रेंज के साथ में। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेगनेंसी केयर इंडिया पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, मतलब सबसे पहली क्या चीज़ होती है जब आप अच्छे के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है एक मसाज ऑयल। मसाज ऑयल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होता है बच्चे को नहलाने से कम आधा घंटे पहले आपको मसाज करनी चाहिए। मसाज ऑयल के लिए कौन सा आपको ऑयल इस्तेमाल करना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है बेबी हक का डेली मसाज ऑयल, सूदिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। इसमें 7 तरीके के ऑयल्स मिले हुए हैं, इसीलिए ये ऑयल मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं अपने बच्चे के मसाज भी इससे करती हूँ, बालों में भी इसको लगा देती हूँ उसके। इसमें ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सेसमे ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, व्हीट जम ऑयल है, एलो का ऑयल है और होहोबा ऑयल है, कुछ लोग इसको जुजोबा ऑयल बोलते हैं। तो इसमें 7 वो ऑयल्स मिले हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो ऑयल में किसी भी तरीके का पैराबेन, SLS या फिर BHT वगैरह किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं। तो ये बेसिकली ये ऑयल आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अच्छा रहने वाला है। तो ये ऑयल आपको अपने बच्चे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए मसाजिंग के टाइम पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ बॉडी वॉश। बॉडी वॉश जो है वो इनका मिल्की फॉर्मूला में है। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत माइल्ड है, क्रीमी सा टेक्सचर है। मैं आपको क्लिप्स में दिखा रही हूँ कि इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी सा है। इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस और प्लेजेंट है और थोड़ा माइल्ड है, जो कि पर्सनली मैं पसंद करती हूँ कि बच्चों के प्रोडक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है। तो इसकी काफ़ी माइल्ड और जेंटल सी फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्लिंजर है ये अपने आप में ही मॉइस्चराइजिंग है, ये अपने आपके बच्चे की स्किन को बिल्कुल भी ड्राई डल नहीं बनाएगा, बच्चे की स्किन अच्छे से हाइड्रेट बना के रखेगा। इसमें एलोवेरा एडेड है, व्हीट जम ऑयल एडेड है और इसमें ग्लिसरीन एडेड है, और ये तीनों ही चीज़ें हमारी स्किन को नरिशमेंट पहुंचाती हैं और स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग एंड बहुत ज़्यादा इन जनरल ग्लोई बनाती हैं। ये भी क्लेम कर दें कि ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, जेंटल है, जो कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्स्चर भी है और बहुत ही जेंटल लगता है इसका फ्रेग्रेंस भी। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट एंड जेंटल सा लगता है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, मतलब स्किन वगैरह पे किसी भी तरीके का इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इन्होंने इसको अच्छे से टेस्ट वगैरह किया है और पीडियाट्रिशियन अप्रूव्ड है। ये बेसिकली जो इनके ये वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो इनके मिल्क फॉर्मूला बेस पे हैं, शैम्पू, बॉडी वॉश और लोशन। तो ये बेसिकली आपके बच्चे की स्किन को काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट पहुंचाता है, हाइड्रेट रखता है और इसमें सारी गुडनेस वो है जो कि आपके बच्चे को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आपके बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी शैम्पू। शैम्पू जो है वो भी मिल्क फॉर्मूला में है, अगेन इसका भी फ्रेग्रेंस डिट्टो सेम है जैसा कि बॉडी वॉश का है और इसका कलर और टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा जेंटल है। इन जनरली काफ़ी माइल्ड शैम्पू है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया। जनरली मैं कि ना अपनी डॉटर के बहुत हैवी ऑयलिंग करती हूँ, हेयर ऑयलिंग करती हूँ, तो उसके बाद में मुझे शैम्पू, एक ऐसा शैम्पू चाहिए होता है जो कि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है उसको रिमूव कर दे, लेकिन जो एसेंशियल ऑयल बालों में रहना चाहिए वो रहने दे। तो ये बिल्कुल सही स्पॉट पे आता है, ये जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है बालों से उसको रिमूव कर देता है, येट बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी रहते हैं। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि इससे यूज़ करने के बाद में मेरी बच्ची के बाल जो है वो टेंगल नहीं होते हैं, जैसे पहले उसके बाल क्या ना थोड़े से उलझने लगे थे, अभी उसके बाल में थोड़े ग्रो कर रही हूँ तो उसके बाल जो है थोड़े से उलझने लगे थे, लेकिन इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद में मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये जो सारे मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये शैम्पू, बॉडी वॉश, ये टियर फ्री हैं, मतलब ये आइज़ में बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसको छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये लेदर बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, मतलब झाग बहुत अच्छे से बनते हैं, जिससे कि बच्चे का जो बेदिंग का जो टाइम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चा इंजॉय करता है। साथ में बात करते हैं, ये है बेबी हक का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये भी मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा इसमें एडेड है, नरिशिंग
वीट जम ऑयल इसमें एडेड है, ये माइल्ड है, जेंटल है, अगेन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये भी मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। बेसिकली इन सभी प्रोडक्ट्स में SLS नहीं है, पैराबिन नहीं है, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ हार्मफुल यूज़ नहीं की गई है जो कि आपकी बच्चे की स्किन को किसी भी तरीके से इरिटेट करे या बच्चे को किसी भी तरीके से डिस्कम्फर्ट हो। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चे का हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखेंगे, बच्चे को कंफर्टेबल रखेंगे और यू नो, बच्चे को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है बेबी हक्का एडवांस्ड टैल्क फ्री डस्टिंग पाउडर। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, अगेन स्किन वगैरह पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। हाइपोलर्जेनिक है, हाइपोलर्जेनिक का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट की वजह से किसी को भी एलर्जी होने के चांसेस नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। इसमें जो है ये टैल्क फ्री है जो कि बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली लोगों में अभी काफ़ी अवेयरनेस आने लगी है कि भाई टैल्क जो है वो आपकी स्किन के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। अगर आप गलती से उसको इनहेल कर जाते हैं तो ये यू नो, ब्रीदिंग में काफ़ी प्रॉब्लम करता है, लॉन्ग टर्म में एस्थमा का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें टैल्क फ्री अगर आपको डस्टिंग पाउडर मिल रहा है कि हमेशा बच्चे के लिए पाउडर वो लगाएं जो कि टैल्क फ्री हो, तो ये टैल्क फ्री पाउडर आपको मिल जाता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जो पूरा पैकेज है ना, ये आपको फर्स्ट क्राई पे डिस्काउंट में मिल रहा है। सारा ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल है, 400 ml की ये बॉटल है और ये आपका ये भी 400 g का पाउडर है, ये पूरा आपको 850 rupees में मिल जाता है डिस्काउंट में। फर्स्ट क्राई की साइट से जाके आप ले सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। मुझे ये बेबी हक के प्रोडक्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक मैंने ये 3rd या 4th time इसको मंगा के मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आई हाईली रिकमेंड आप इसको अपने छोटे बेबी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन सभी पेरेंट्स के साथ में जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिससे कि वो भी अपने बच्चों के लिए स्किन और हेयर केयर में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ज़रूर, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट क्राई का और सारी डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो यू कैन चेक दैट आउट। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।